स्वाति मालीवाल मामले में आम आदमी पार्टी ने स्वीकारा कि शीश महल में उसके साथ अन्याय हुआ। साथ ही साथ कपिल मिश्रा ने जबरदस्त जवाब दिया। आइए देखें एक रिपोर्ट और चीजों को समझे विस्तार से। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की। केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। स्वाति मालीवाल के मामले में संजय सिंह का जो बयान आया है वो ये बात तो स्पष्ट करता है कि स्वाति मालीवाल के साथ हिंसा हुई है, मुख्यमंत्री के घर में हुई है, प्रताड़ना हुई है और विभव कुमार ने की है। अब संजय सिंह कह रहे हैं कि इसमें केजरीवाल एक्शन लेंगे। केजरीवाल क्यों एक्शन लेंगे? केजरीवाल ने अभी 31 घंटे हो गए, पुलिस को क्यों नहीं सूचना दी? पुलिस क्यों नहीं बुलाई? विभव को अरेस्ट क्यों नहीं कराया? कोई अपराध हो जाएगा उसमें आप पुलिस नहीं बुलाएंगे, उसमें आप केजरीवाल खुद ही जज बन जाएंगे, खुद ही पुलिस बन जाएंगे। एक महिला सांसद को मारा गया, पीटा गया मुख्यमंत्री के घर में। महिला सांसद ने पुलिस को फोन भी किया। संजय सिंह ने यह बताया कि यह घटना सच में हुई है और अरविंद केजरीवाल अपने घर में इतना बड़ा अपराध हो गया चुप बैठे हैं और अब कह रहे हैं एक्शन भी अरविंद केजरीवाल लेंगे। जबकि फोन कॉल में स्पष्ट तौर पर स्वाति मालीवाल जी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर विभव ने मारा है। तो केजरीवाल तो खुद अपराधी है और अब तो उन्होंने इस अपराध को दबाने का भी पाप किया 31 घंटे तक। मुझे ये लगता है कि संजय सिंह के इस बयान के बाद कि स्वाति मालीवाल को पीटा गया, मारा गया, मुख्यमंत्री के घर में मारा गया, इस बयान के बाद अब पुलिस को कॉग्निजेंस ले लेनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए और स्वाति मालीवाल जी को भी सामने आके देश के ये बताना चाहिए। देश उनके बयान की प्रतीक्षा कर रहा है कि असली में हुआ क्या था। और इस मामले में स्पष्ट है कि विभव अपराधी है, लेकिन विभव से बड़े अपराधी अरविंद केजरीवाल है। पहला, उनके कहने पर मारा गया। दूसरा, 31 घंटे तक वो इस मामले को दबा के बैठे रहे और उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को नहीं। शहर से दूर कुदरत के बीच छुट्टियों के कुछ दिन बिताना है तो आयुष जंगल रिसोर्ट आपका स्वागत करता है। डुआर्स के खूबसूरतियों के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा मूर्ति नदी के किनारे, यहाँ एसी नॉन एसी डिलक्स रूम के साथ साथ आनंद लीजिए स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाने का। हमारे यहाँ जंगल सफारी के सुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध है। आज ही आए छुट्टियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट गोरुमारा बंगलो के नजदीक न्या मूर्ति नदी लाटागुड़ी।